माता दी, कहाँ से आए हो आप? नदौन से। कब आए थे सिमसा माता के मंदिर में? 2021 में आए थे। क्या फल दिया था? क्या बेटा हुआ है? इनके घर में देखो, माता रानी ने आलू दिए थे सपने में। कितने दिन सोए थे आप मंदिर में? एक दिन सोए थे और माता रानी ने आलू दिए थे, और अब आपके घर में बेटा हुआ है। देखो, ये आलू लेके आए हैं माता रानी को, और ये इनके घर में बेटा हुआ है। ये इनकी 3 बेटियां हैं पहले, और अब ये इनके घर में बेटा हुआ है, और ये बेटा लेके आए हुए हैं। नदौन से आए हुए हैं। किस पुजारी के पास रहे थे आप? ये प्रहलाद पुजारी जी के पास रहे थे, और आज भी ये प्रहलाद पुजारी जी के पास आए हैं। जब प्रहलाद पुजारी जी के पास आप आए थे, तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया था आपके साथ? अच्छा जी, आगे के लिए सभी को क्या संदेशा देना चाहते हो आप? इनका कहना है सभी यहाँ आए, और माता रानी सबकी पुकार सुनती है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। और ये देखो, बेटा लेके आए हुए हैं, और पहले इनकी बेटियाँ भी हैं, और ये इनकी सासू माँ जी हैं। ये सब परिवार आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश नदौन से आए हुए हैं। ये अब आलू चढ़ाएंगे। इन्होंने आलू छोड़ रखे थे, ना आलू खाए थे, ना दिए ना लिए। 2021 में आए थे, देखो आज 2024 लग पड़ा है, और उतने दिनों ना आलू नहीं खाए। तो श्रद्धालु आते हैं और बोलते हैं, पंडित जी 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया हमारे घर में संतान ने। देखो 2021 में आए थे और आज 2024 लग पड़ा है, तो जो फल मिला होता है वो माता रानी देती है, और ये प्रहलाद पुजारी जी हैं। बोलो शारदा माता की, सिमसा माता की, नि संतान के घर संतान देने वाली सिमसा माता की जय माता दी।